तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीटी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सीटी क्वालिफाई को लेकर एक तरफ कोर्ट में केस चला हुआ है और दूसरी तरफ जो है कैंडिडेट अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं सीटी क्वालिफाई को लेकर। तो दोस्तों इसके अलावा भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे बहुत सारे कैंडिडेट का भला हो जाएगा और वो सीटी का मेंस का पेपर दे सकेंगे। तो दोस्तों एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि अगर एचएससी ये काम कर दे जिसमें जो है किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है, ना कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत, किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों गूगल फॉर्म मैंने फिलअप करवाया था, उसका सर्वे का रिजल्ट भी जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैंडिडेट का डाटा है, बीकॉम वाले, बीटेक वाले, आईटीआई वाले, मेडिकल लाइन वाले, हर एक दोस्तों उसका जो है मैं डाटा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी आपकी इस वीडियो में चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों, तो वो आप सभी को पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी रहती है लेकिन आपको पता है कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। तो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आपको पता है कि 3267 है, ट्वेल्थ लेवल की 3317 है, बीकॉम लेवल की 934 है, मेडिकल और टेक्निकल लाइन की 15240 वैकेंसी है और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कितनी दोस्तों 6000, ठीक है। ये बड़ी सोचने की बात है, धीरे धीरे हम मैं आपको सारी चीजों के ऊपर लेके जाऊंगा। तो यानी कि 1, 2, 3 और 6, तो यानी कि दोस्तों ये क्या है, कॉमन से कैंडिडेट हैं, तो इनकी वैकेंसी है 13613, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है 1, 2, 3 और 6 के हैं, ठीक है, लेकिन वैकेंसी इनकी कम है। और ये तो दोस्तों कैंडिडेट ही बहुत कम है जो मेडिकल और टेक्निकल लाइन के हैं, ठीक है, और वैकेंसी इनकी ज्यादा है। तो देखते हैं दोस्तों धीरे धीरे आपको जो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक दो चीज और मैं आपको बता देता हूं कि सीटी पोर्टल जो करेक्शन करने के लिए दोस्तों ये लगा लीजिए कि आपका जो स्टार्ट होना था 25 जनवरी से, लेकिन अभी आपका मुझे लग रहा है कि ये फरवरी के जो है फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो ग्रुप डी का दोस्तों जो फॉर्म है वो फरवरी में ही फिलअप किए जाएंगे आपके, ठीक है, और ग्रुप डी का जो एग्जाम है दोस्तों वो लगभग मुझे लग रहा है कि मई के अंदर होगा, ठीक है। मार्च का तो दोस्तों अभी बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मार्च में कुछ ऐसा कर पाएंगे काम, ठीक है। तो सीटी का अगर मेंस की बात करूं दोस्तों, ये भी दोस्तों मई के अंदर जो स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि अभी जो है पोर्टल बनाएंगे, ठीक है, उसको वेरीफाई करेंगे, कुछ फैमिली आईडी में कुछ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम अभी रहेंगी, ठीक है, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाने लग जाए, क्या करवाएं, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि हर दिन जो है चीजें बदलती रहती है हरियाणा में। तो दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कैटेगरी क्या हम जो है इस पोर्टल में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, बिल्कुल दोस्तों आप जो कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है तो जर्नल में जा सकते हैं, यूआर है जर्नल है तो ईडब्ल्यूएस में जा सकते हैं, बीसीबीसी यूआर में जा सकते हैं, जर्नल में जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गूगल फॉर्म है इसका जो है अगर मैं बात करूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या आप मेडिकल लाइन से हो, तो दोस्तों 8% कैंडिडेट ने कहा है कि हाँ हम मेडिकल लाइन से हैं, ठीक है, इनकी मेडिकल लाइन लेने वाले कैंडिडेट कितने हैं, लगभग 8%, ठीक है, बाकी दोस्तों ये कितना बच गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप टेक्निकल लाइन से हो, जैसे बीटेक है, एएलएम है, ठीक है, ये सारे, तो इन्होंने कहा दोस्तों 27% कैंडिडेट ने यस किया है, ठीक है, 27% कैंडिडेट क्या है दोस्तों, किससे हैं वो, मेडिकल लाइन से हैं, टेक्निकल लाइन से, सॉरी, ठीक है, यानी कि मेडिकल लाइन के जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 8% है, टेक्निकल लाइन वाले कितने हैं, 27% है, अच्छे खासे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या आप बीकॉम हो, तो दोस्तों ऐसा जो है 20% कैंडिडेट ने कहा है कि हाँ वो बीकॉम है, ठीक है, अपने सर्वे के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बीकॉम वालों के लिए जो पेपर है आपका वो मेंस के अंदर जो है वही बीकॉम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर यहां पर डाल रखे हैं अपने एचएससी सीईटी ऑफिशियल 2022-23 टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अभी इसके अंदर 2000 मेंबर हैं, तो आप जो है इन पेपर्स को देख सकते हैं, और भी जो भी बीकॉम वालों के लिए या जो भी सीईटी वालों के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीजें यहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। बीकॉम के लिए दोस्तों 2-4 पेपर और मैंने डाल रखे, तो यहां से आप जो है डाउनलोड करके अपने सीईटी के मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों कि इसी तरह से जो कैटेगरी वाइज ये डाटा लिया गया कि 30% दोस्तों जो है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, बीसीबी में दोस्तों 12% है, ईडब्ल्यूएस में 17% है, बीसीए में 16% है, एससी में 20% है। तो अगर मैं बात करूं, ये पूछा गया था सभी से कि क्या आप जो है बीए कर रखी है आपने या एमए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, बीटेक कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, एमपीएसडब्ल्यू, एएलएम,
बहुत सारे दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, तो कैंडिडेट ने जो 23% कैंडिडेट ने कहा कि इन्होंने क्या कर रखा दोस्तों, बीए कर रखी है, ठीक है। फिर जो दोस्तों एमए कर रखी है यहाँ पर, और फिर ये आप बीकॉम कर रखी है, और ये एमकॉम कर रखी है, यानी कि बीकॉम एमकॉम वाले 8% है, ये भी कुछ 7% है बीए एमए वाले, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा डाटा जो है मैंने बता रखा, आगे भी अच्छे और अच्छे से। क्या आप हरियाणा पुलिस का जो है भी पेपर देंगे? तो दोस्तों 48% कैंडिडेट ने ये कहा कि हम पेपर इसका देंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल एक ग्रुप है, हरियाणा पुलिस 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर 63 मेंबर हैं, कुछ और ऐड हो गए होंगे, ठीक है। आगे देख, क्या आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है? दोस्तों कितनों ने हाँ की है कि हाँ, 65% कैंडिडेट को ने क्या कहा दोस्तों कि हाँ कम है, ठीक है। 65% कैंडिडेट ने कहा है कि 1,80,000 से कम है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा नंबर है 5, वो 65% कैंडिडेट को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों सीधा सीधा सा मतलब है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों थोड़ा सा, ये डाटा जो मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से जो कैंडिडेट का ये कि बीए 23%, एमए 7%, बीकॉम 8%, एमकॉम 7%, बीटेक 11%, आईटीआई 20%, एएलएम 2%, एमपीएसडब्ल्यू 2%, 12th पास करके दोस्तों 12% और अदर ने 8%, ठीक है। इस तरह से ये डाटा जो अपने सर्वे में आया है, यानी कि मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ 12th 12% है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो 60% है, बीकॉम 20% है, टेक्निकल 27% है, मेडिकल 8% है। अब ये मत कहना कि सर ये तो 100 से ज़्यादा टप गया, क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि अगर कोई किसी ने बीटेक कर रखी है तो यानी कि वो ग्रेजुएट है, अगर किसी ने बीकॉम कर रखी है तो वो भी क्या है, ग्रेजुएट है, ठीक है। कोई मेडिकल वाला कर रखा है, क्या पता उसने भी जो है बीटेक या जो भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है। तो यानी कि ग्रेजुएट में इस तरह से जो है ज्यादा कैंडिडेट है। अब मैं आपको बताऊं, यहीं से प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होगी और यहीं इसका समाधान है। अब देखो, जो कैंडिडेट बीकॉम कर रखी है किसी ने, वो कैंडिडेट क्या करेगा, इस ग्रेजुएट लेवल वाले का भी पेपर देगा और वो इसका भी पेपर देगा। मैं एक बार स्टार्टिंग वाले इस पे ले चलता हूं आपको, पहले वाले स्लाइड्स पे दोस्तों, जो हमने सबसे पहले दिखाई थी आपको, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई कैंडिडेट बीकॉम है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बीकॉम है, यानी कि उसने बीकॉम ग्रेजुएशन भी कर रखी है और वो 12th भी पास है, ठीक है। यानी कि वो कितने पेपर देगा दोस्तों, बीकॉम का भी देगा, 12th वाले का भी देगा और ग्रेजुएशन वाले का भी देगा। यानी कि एक बीकॉम वाला कैंडिडेट 3 पेपर दे सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहीं से रेलवे के अंदर, दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि रेलवे वगैरह फूंक दी और बहुत सारे मतलब हुड़दंगबाजी हो गई थी, तो वो क्यों हुई थी, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही सीन था सेम, ठीक है। तो यानी कि वो जो 12th वाले बच्चे थे और ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, उन 12th वालों का नंबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले जो उसके अंदर इंक्लूड हो, तो उन्होंने फिर क्या किया कि यूनिक कैंडिडेट को सभी को मौका दिया। यानी कि किस तरह से मौका दिया कि जो ये बंदा है, मान लिया ये बंदा है राम, ये बंदा दोस्तों, ठीक है, इस राम को जो है एक ही जगह खुद की कैटेगरी में यानी कि बीकॉम वाले में ही काउंट करो, ठीक है। यानी कि ये पेपर तो इसका भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे हम कह रहे हैं कि 4 गुना, जैसे यहां पर जो है 100 पोस्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो कितने कैंडिडेट बुलाने हैं, 400, ठीक है। तो दोस्तों 400 कैंडिडेट बुलाने हैं, तो जो प्योर ग्रेजुएट हैं, जैसे जिसने बीए कर रखी है, वो बुलाएं, प्लस में क्या करें कि जो बीकॉम वाले हैं, यानी कि यूनिक कैंडिडेट को बुलाएं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट जो तीन तीन जगह हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका समाधान कर सकते हैं शशि, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट का मतलब यह है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सीईटी का, वो एक ही जगह, मतलब उसको एक ही माना जाए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बीकॉम वाला यहां पर, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 3 कैंडिडेट इसको मान लेंगे, ठीक है, 3 कैंडिडेट हो जाएंगे ये इस तरह से, ठीक है। यहां पर भी बैठ रहा है 3 जगह, यहां पर भी 3-3 जगह, यानी कि हो जाएगा। तो अगर ये यूनिक कैंडिडेट को कर ले, तो जो है आप लोगों का समाधान हो सकता है, यानी कि कैंडिडेट की जो संख्या वो बढ़ सकती है और कट ऑफ दोस्तों डाउन आपकी चली जाएगी इससे, ठीक है। क्योंकि वो 4 गुना वाला जो सिस्टम दोस्तों, 4 गुना अगर वो यूनिक कैंडिडेट को बुला ले, तो फिर इसका समाधान है यूनिक कैंडिडेट को। यानी कि जो जैसे कोई टेक्निकल लाइन का है बंदा, वो बीटेक सिविल है, ठीक है, बीटेक क्या दोस्तों, वो सिविल है,
तो अगर मान लिया सिविल में जो जितनी पोस्ट है उसमें तो उसका नंबर आएगा ही, फिर दोस्तों वो ग्रेजुएशन वाला भी ये वाला भी देगा, ग्रेजुएट लेवल है ठीक है। तो अगर ये वाला भी वो देगा दोस्तों तो यानी कि इसको जो है यहीं पर काउंट किया जाए और यहां पर दोस्तों क्या यूनिक कैंडिडेट को बुलाया जाए ठीक है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अगर कुछ इस तरह से का काम करे एचएससी तो यानी कि कट ऑफ डाउन आकर के बहुत सारे कैंडिडेट को जो इसके अंदर समाधान हो सकता है ठीक है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसा दोस्तों हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं रेलवे के अंदर ऐसा हो चुका है ठीक है, उन्होंने ऐसे ही यूनिक कैंडिडेट को जो है बुलाया था, तो इससे जो है कैंडिडेट की संख्या डबल हो जाएगी, वो जो 4 गुना है वो दोस्तों 8 गुना पे चला जाएगा ठीक है। और इससे जो है कोर्ट की परमिशन की लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रूल है यूनिक कैंडिडेट को बुला सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की और 12th लेवल की, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं ठीक है। ये 3267 है, जनरल की इतनी ही, बीसीबी की इतनी है और ये 12th वालों की है दोस्तों ठीक है। तो इस तरह से पूरा वैकेंसी का आपका डाटा है। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एचएससी स्टूडेंट हेल्प पोर्टल जो है एक अभी अभी स्टार्ट किया है, जैसे मान लिया कि हम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका कोई समाधान उससे नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं या फिर कहीं से आप पता करने की कोशिश, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ठीक है। तो ये एक ऐसा पोर्टल बनाया दोस्तों जिसके अंदर आप अपना डिटेल डालेंगे ठीक है, डिटेल डाल करके फिर हमें पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अगर वो प्रॉब्लम आपकी सभी की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर तो दोस्तों एक वीडियो बना देंगे। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर तो फिर दोस्तों आपसे जो है बात किया जाएगा कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि आप लोग भटकते रहते हैं और इस भटकने भटकते भटकते दोस्तों आपकी उम्र निकल जाती है ठीक है। उम्र तो दोस्तों क्यों, आप देख रहे होंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि 12 जनवरी 2021 को दोस्तों इसके फॉर्म निकले थे, 12 जनवरी 2021 को इसके फॉर्म निकले थे और आज दोस्तों 12 जनवरी 2023 जो है आ चुका है ठीक है, 23 आ चुका है। अब आपने क्या किया कि जब से ये फॉर्म निकले हैं तब से आप इसी का वेट कर रहे हैं, आपके 2 साल जो है वेस्ट हो गए हैं एक तरह से, और आपने बीच में और कुछ भी नहीं किया ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस रहती, एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास रहती तो दोस्तों आप इन 2 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे आप इन 2 सालों में अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस रहती तो ठीक है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं ऐसे जो हमें पता भी नहीं लगता है, या फिर हमें पता लगता तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें उसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता होता, हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता आखिर क्या है ये ठीक है। तो दोस्तों यही इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ये पोर्टल बनाया है, ताकि कोई तो हरियाणा में ऐसा पोर्टल हो जिससे आपकी जो है कोई मदद कर सके। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है, इसको आपने फिलअप कर लेना है। अदरवाइज आपका लिंक दोस्तों ये मैंने यहाँ पर तो डाल दिया है, हरियाणा पुलिस इस ग्रुप में डाल रखा है मैंने ठीक है, नीचे की तरफ जाओगे तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है ये HSC CET ऑफिशियल ठीक है, जो कि यहाँ पर BCOM वालों का भी डाल रखा है ये वाला ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और आप जो है इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।